हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं द टेक स्टार शाहरुख। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा शाहरुख भाई का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे फीचर होने का मौका दिया। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में। तो शाहरुख भाई, आप बताइए कि आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो नमन भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे चैनल पे आने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है जब दो लोग कोलैब करते हैं और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि 2018 के सबसे बेस्ट गेम्स कौन से रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं कि 2018 के बेस्ट चीज़ें क्या क्या थी। तो आज यह फाइनल वीडियो है 31 दिसंबर को कि 2018 के सबसे बेस्ट गेम्स आखिर कौन से थे जो कि 2018 में ही लॉन्च हुए हैं। 2017 के लॉन्चिंग वाले गेम्स का हम लोग बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2018 की। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा अच्छी अच्छी कॉन्टेंट्स आती रहती है। तो दोनों के चैनल के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा करके आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, यहां पे सबसे पहले स्पॉट पे कौन सा गेम है और ये आप सभी जानते हैं और आप लोग आसानी से गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में इससे अच्छी कोई गेम थी ही नहीं, 2018 में इससे ज्यादा खेला जाने वाला कोई गेम था ही नहीं, और इस गेम का नाम है पबजी मोबाइल। दोस्तों, जो ये पबजी मोबाइल गेम है, पता नहीं इसका क्या बुखार चढ़ा हुआ है लोगों में कि लोग इसे छोड़ ही नहीं रहे। लगभग मार्च या अप्रैल के महीने में ये लॉन्च हुआ और उसके बाद से जो लोगों ने खेलना शुरू किया, मतलब कि बिल्कुल फाड़ कर रख दिया। उनका मोबाइल चाहे गर्म हो जाए, चाहे मोबाइल से धुआं निकल जाए, चाहे न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए, लेकिन उन्हें पबजी मोबाइल खेलना ही खेलना है। और दोस्तों, पबजी मोबाइल जो है ये बेस्ट गेम था 2018 का। इससे ज़्यादा बेस्ट गेम 2018 में हमने कोई भी नहीं देखा है। तो नंबर वन स्पॉट तो आप सभी को मालूम होगा। अब बताएंगे नमन भाई कि नंबर टू पे कौन सा गेम है। तो जैसे कि 2018 में पबजी के लिए काफ़ी ज़्यादा दीवानगी देखी गई लोगों में, वैसे ही एक गेम और भी था जो कि सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स के साथ आता है, यानी कि फॉर्टनाइट। जी हाँ, फॉर्टनाइट गेम भी अपने इसी दीवानगी के लिए जाना जाता है और काफ़ी कमाल के ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये भी एक बैटल रॉयल गेम है। इसमें भी आपको मतलब सर्वाइव करके रखना है एंड तक, आपको अगर बचेंगे तभी आप विनर बनेंगे। तो यहाँ पे इस गेम में आपको काफ़ी अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, हालांकि यहाँ पे जो कार्टूनिश कैरेक्टर दिए गए हैं कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आते। आपको पसंद आते हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर बात करते हैं इस गेम की, तो यहाँ पे पबजी जैसा कॉन्सेप्ट ही लेके आया था ये गेम भी, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिए गए हैं, कुछ एडिशनल स्ट्रेटजीज दी गई हैं यूज़र्स को, कुछ और वो कर सकते हैं, कुछ यूनिक कर सकते हैं। बट यार, ये गेम थोड़ा सा मुझे टफ लगता है अगर कंपेयर करता हूँ इसे पबजी गेम से। तो और साथ में ये गेम काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ 2018 में, लेकिन एक इसका डाउनसाइड ये था कि सारे डिवाइसेस पे एक साथ इसका सपोर्ट नहीं आया। जैसे कि पबजी गेम आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में, ऑलमोस्ट किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में खेल सकते हैं, इस तरह से फॉर्टनाइट गेम को आप नहीं खेल सकते हैं। लॉन्च के टाइम पे एक्सक्लूसिवली ये सैमसंग डिवाइसेस के लिए आया था, उसके बाद ये धीरे धीरे कुछ डिवाइसेस में सपोर्ट इसका आया, बट अभी भी ये सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में नहीं रन करता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही काफ़ी लाजवाब गेम है, दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त गेम है और दोनों के दोनों बैटल रॉयल गेम्स है। लेकिन दोस्तों, एक और गेम है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ और वो वन ऑफ द बेस्ट गेम बन गया शूटिंग के मामले में। इस गेम का नाम है शैडो गन लेजेंड्स। शैडो गन लेजेंड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक साइंस फिक्शन शूटिंग गेम है जिसकी ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, जिसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और अगर आप हेडफोन में खेलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। खास करके दोस्तों, इसमें जो मिशंस दिए गए हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मिशंस दिए गए हैं, यानी कि आपको वीपन्स देखने में ऐसे लगेंगे जैसे कि आप कोई कॉन्सोल पर गेम खेल रहे हो, आपको ग्राफिक्स देखने में ऐसा लगेगा जैसे आप कोई कॉन्सोल पर गेम खेल रहे हो, और आपको ऐसा फील होगा कि एंड्रॉयड में ऐसे ऐसे गेम्स और भी ज़्यादा बनने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस गेम की जो क्वालिटी है वो ऑसम है। तो आपको एक बार शैडो गन लेजेंड्स को भी ट्राई करना चाहिए। चलिए दोस्तों, बहुत हो गया शूटर गेम्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से कुछ और कैटेगरीज के बारे में। इसी कड़ी में बात करते हैं अगले गेम की जो कि 2018 में काफी हिट हुआ, काफी फेमस हुआ, जो कि है एशफॉल्ट 9। जी हाँ, ये गेम आता है गेम लॉफ्ट कंपनी की तरफ से और ये एशफॉल्ट 8 का एक सक्सेसर कह सकते हैं इसे। तो इस गेम ने भी काफ़ी तबाही मचाई, काफ़ी तहलका मचाया, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, क्योंकि यहाँ पे आपको कार रेसिंग गेम है, आपको शायद पता ही होगा। तो ये इसमें आपको ग्राफिक्स काफ़ी कमाल के मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी कमाल का यार गेम था। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिलता है, ग्राफिक्स साउंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया किया गया है इस ऐप का भी। तो एशफॉल्ट 9 भी काफ़ी कमाल का गेम रहा 2018 के लिए।
अब नमन भाई ने आपको बता दिया सबसे बेस्ट रेसिंग गेम के बारे में, तो हम भी कैसे पीछे रहे। जी हाँ दोस्तों, एसफाल्ट 9 सबसे बेस्ट रेसिंग गेम है 2018 का, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे रेसिंग गेम के बारे में जो कि आप वन हैंड से खेल सकते हैं। मतलब एसफाल्ट 9 को खेलने के लिए आपको दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लेजी होते हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और एक हाथ से ही सारा काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक गेम आता है जिसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस टेकडाउन, और यह गेम लॉन्च हुआ लगभग अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद यह जो गेम है बहुत ज़्यादा चर्चा में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी जब मैंने खेला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों शुरू में आपको काफ़ी सिंपल रेसिंग गेम लगेगा, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट कर लोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे लेवल्स जो है अनलॉक हो जाएंगे, मिशंस अनलॉक हो जाएंगे, टेकडाउन अनलॉक हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल ये करना है कि आपको अलग अलग रेसिंग मिशंस मिल जाते हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे रेसिंग मिशंस अलग अलग हो सकते हैं, ड्रैग रेस हो सकता है या फिर नॉर्मल रेसिंग हो सकता है या फिर टेकडाउन भी हो सकता है। टेकडाउन में दोस्तों आपको अपोनेंट को मार मार करके गिरा देना है और उसे उसका जो सर है वो फोड़ देना है। तो कुछ इस तरह का आपको यह गेम मिल जाता है। तो अगर आप वन हैंड मोड में खेलना चाहते हैं तो मैं कहूंगा 2018 का बेस्ट रेसिंग गेम है यह दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस टेकडाउन। अब चलते हैं अगले गेम की तरफ, तो ये है एल्टोस ओडिसी। तो ये गेम भी काफ़ी बढ़िया है यार, मुझे इसके ग्राफिक्स और इसका साउंड डिज़ाइन काफ़ी पसंद है यार। इसका साउंड मुझे पर्सनली मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग साउंड लगता है इसका। और ये एक एडवेंचरस गेम है, आपको पॉइंट्स कलेक्ट करते रहने हैं अनलिमिटेड, और आपको चलते जाना है आगे की तरफ और ड्रिफ्ट करते जाना है आपको, और साथ में यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज भी मिलती रहेंगी टाइम टाइम पे, और उनको फेस करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। तो ये भी काफ़ी कमाल का गेम रहा 2018 में, और अगर आपने इस गेम को खेला है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कैसा लगा आप ये भी बताइएगा। अल्टोस ओडिसी तो काफ़ी अच्छा गेम है दोस्तों, मैंने भी उसे खेला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है खेलने में, लेकिन दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूँगा उसमें भी आपको दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जैसा कि मैं एक हाथ का दीवाना हूँ दोस्तों, मैं गेम खेलूँगा यहाँ पे एक गेम है जिसका नाम है ब्रूस ली। जी हाँ दोस्तों, ये जो ब्रूस ली गेम है काफ़ी अच्छा लगता है खेलने में, काफ़ी सिंपल गेम है, काफ़ी नॉर्मल गेम है, काफ़ी कम एमबी का है, काफ़ी कम साइज़ है, और दोस्तों ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल गेमर है तो उसके लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट गेम आपको लगेगा ब्रूस ली। दोस्तों ब्रूस ली में सबसे पहले चीज़ मुझे क्या अच्छा लगा, तो ब्रूस ली का फिजिक अच्छा लगा, उसका किक करने का स्टाइल, उसका जंप करने का स्टाइल, डबल जंप करने का स्टाइल, और वो जो एडवेंचर गेम बनता है दोस्तों वन हैंडेड फ्रेंडली बनता है। अगर आप वो गेम खेलेंगे तो पक्का दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर आप एक ब्रूस ली के फैन है जैसा कि मैं भी हूँ दोस्तों, ब्रूस ली का फैन, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है किक वगैरह करने में, तो आपको वो गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों एडवेंचर में मैं कहूँगा कि ब्रूस ली वन हैंडेड में वन ऑफ द बेस्ट गेम है अगर आपको खेलना है 2018 में, और ये काफ़ी फनी भी लगता है खेलने में, और अगर आप इसे खेलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा भी आएगा, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी आएगा ब्रूस ली के बारे में, आपको अच्छा फील होगा। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगला गेम है बाइक अनचेंड 2, और ये एक एडवेंचरस गेम है, आप हिल्स पे साइकिल लेके घुमा सकते हैं थोड़ा बहुत, और आप अपनी टीम बना सकते हैं और रियल राइडर्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ये गेम भी काफ़ी फेमस हुआ 2018 में। और गाइस आज की हमारी आखिरी और फाइनल गेम मैं आपको बताऊं जो कि सबसे बेस्ट रही 2018 में, और उसका नाम है, नाम बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह गेम खेल करके आपको बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। जी हाँ, अगर आपने गेम खेला हुआ है सेगा वगैरह पे और यह गेम अगर आपने खेला हुआ है तो सच में ये आपका वन ऑफ द बेस्ट गेम्स होगा जो कि आप खेलते होंगे सिंगल प्लेयर या फिर डबल प्लेयर, क्योंकि दोस्तों इस गेम का नाम है स्ट्रीट फाइटर 4, और एंड्रॉयड पे यही गेम आया दोस्तों स्ट्रीट फाइटर 4 चैंपियन एडिशन नाम से। दोस्तों स्ट्रीट फाइटर एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम था, बहुत ही ज्यादा मेरा अपना फेवरेट गेम भी था, जो कि मैं पहले खेला करता था दोस्तों अपने 8-bit के डिवाइसेस पे, और उस डिवाइस पे खेलने के बाद दोस्तों धीरे धीरे जो इवॉल्व हुआ लेकिन बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाया, और आज भी उसका जो ओरिजिनल गेम है स्ट्रीट फाइटर वो दोस्तों हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो एंड्रॉयड पे 2018 में रिलीज हुआ स्ट्रीट फाइटर 4 चैंपियन एडिशन, जो कि बहुत ही जबरदस्त गेम है दोस्तों, जो कि बिल्कुल आपको ये आपकी यादों को ताजा कर देगा जो कि आप पहले गेम खेला करते थे, और बिल्कुल वही कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वही मूव्स मिल जाते हैं, वही प्लेयर्स मिल जाते हैं, और उसी तरह के एनिमेशंस मिल जाते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा कि 2018 का वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक गेम अगर कोई है तो स्ट्रीट फाइटर 4 ही है दोस्तों, क्योंकि यह जो क्लासिक है यह हमारे यादों को ताजा कर देता है, यह हमारे बचपन में घर से भाग करके वीडियो गेम स्टेशन में जाकर के छुप करके बैठ करके
खेलने वाली यादों को ताज़ा कर देता है। पापा से पिटाना, मम्मी से पिटाना, सिर्फ गेम खेलने के लिए वीडियो गेम स्टेशन पर जा करके वो सब भी यादें ताज़ा कर देता है। तो आपको स्ट्रीट फाइटर 4 एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चैंपियन एडिशन, जो कि बिल्कुल फ्री में आप खेल सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है खेलने में। हालांकि फ्री वर्जन में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कैरेक्टर्स है, अगर पूरा कैरेक्टर्स खुल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी ओवरऑल यह एक अच्छा गेम है जो कि आप खेल सकते हैं। भाई आज हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपको इनमें से कौन से गेम्स बेस्ट लगे 2018 में, और किन किन गेम्स को आप ज़्यादा प्ले करते हैं 2018 में, अब तक आपने किन किन गेम्स को ज़्यादा खेला है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे मैं शाहरुख भाई को फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस चैनल पे फीचर होके, और यार इस चैनल को मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, शाहरुख भाई की मेहनत को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तो यार मतलब मुझे ऐसा मौका मिला तो मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि यार मतलब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है अभी चैनल चल रहा है थोड़ा बहुत। तो नमन भाई बहुत ही अच्छा लगा कि आज आपने हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े, और यह साल का आखिरी दिन था और आपने आखिरी दिन हमारे साथ कोलैब किया, तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट साल हर दिन आप हमारे साथ कोलैब करने के लिए रेडी रहो और हमारे बीच एक अच्छा कोलैब हो। तो ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है हमारे लिए, टेक्सा शाहरुख भाई के लिए, तो यार इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और आपको हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से, और हो सकता है 2019 में भी आपके लिए कुछ ऐसे ही कमाल के गेम्स देखने को मिले, तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।